हमास के 200 ठिकानों पर इसराइल का हमला। अमेरिका ने भेजी गोला बारूद की पहली खेप। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन। नमस्कार, मैं नलिनी सिंह पालीवाल, एपीएन न्यूज देख रहे हैं आप। क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, जानिए मेरे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में। इसराइल हमास की जंग का आज पांचवा दिन है। रात भर में इसराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इसराइल और हमास की जंग में अब तक 2100 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें करीब 1200 इजरायली हैं। वहीं अब तक करीब 900 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवा दी है। मंगलवार रात अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इसराइल के नेवाते में एयरबेस पर पहुंच गया। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, ये युद्ध अमेरिकी विदेश नीति की विफलता है। अमेरिका फिलिस्तीनियों के हित को नजरअंदाज कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी ली। बाइडेन ने इसराइल की दोगुना मदद का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस में अपने संबोधन की अमेरिका इसराइल के साथ है। इसराइल में 1000 लोगों की अमानवीय तरह से हत्याएं की गई है, जिनमें 14 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। इसराइल में नरसंहार हुआ है। इसराइल को इस हमले का जवाब देने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने इसराइल के लिए मदद को दोगुना करने की घोषणा की। बाइडेन ने कहा कि ये आतंकवाद है, लेकिन दुख की बात ये है कि यहूदी लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल रवाना होंगे। इसराइल पर सीरिया हुआ हमलावर। लेबनान के बाद इसराइल पर सीरिया ने भी हमला कर दिया है। इसराइली सेना ने दावा किया है कि सीरिया की ओर से हो रही गोलीबारी और रॉकेट हमलों का जवाब तोपखाने और मोर्टार से दे रही है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि फिलिस्तीनी गुट ने सीरियाई क्षेत्र से इसराइल की तरफ रॉकेट हमले किए। वहीं दूसरी तरफ लेबनान से भी इसराइल पर दोबारा हमला हुआ। लेबनान से 15 रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट इसराइल के पश्चिमी शहर गलील और दक्षिणी तटीय शहर अश्कलोन में गिरे। जवाबी कार्यवाही में इजरायली सेना ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला के 3 ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले 8 अक्टूबर को लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला ने इजरायल पर गोलीबारी और बम दागे थे। नेतन्याहू ने मोदी को किया फोन। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 10 अक्टूबर की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। उन्होंने मोदी को जंग के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ हैं। हम हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं। वहीं जंग के बीच नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने हम पर हमला करके बड़ी गलती की है। हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे जिससे हमास और इसराइल के बाकी दुश्मनों की पीढ़ियां दशकों तक याद रखेंगी। पीएम नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते थे। हम पर बहुत क्रूर तरीके से ये थोपा गया है। हमने भले ही युद्ध की शुरुआत ना की हो, लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। बता दें कि हमास ने इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अलक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इसराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने शनिवार को कहा कि ये हमला यरूशलम में अलक्सा मस्जिद को इस तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अलक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल जजीरा से कहा था कि ये कार्यवाही उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजरायल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इसराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलम पर दावा करता है,
वहीं इजराइल यरूशलम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।